अभी तक हमने एसए के ऊपर स्टूडेंट्स काफ़ी सारा हमने ग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया। हम चले थे सब्जेक्ट सिलेक्शन से, अपने लिए एरियाज हमने सेलेक्ट किए, फिर हमने हल्का सा थोड़ा सा देखा कि जब टॉपिक हम पेपर में पहुंच जाएं उस तरह हम तैयारी करके, तो फिर हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, फिर हमने देखा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, फिर आउटलाइन भी हमने तकरीबन बना दी थी। और अभी मैं बेसिकली चलता हूँ दोबारा वर्ड, चूँकि ऐसे आ गया और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सीएसएस के पीएमएस के, बड़े प्यारे स्टूडेंट्स हैं और वो बेचारे थोड़े इसको लेके बड़े परेशान होते हैं, तो मैं और आप लोग क्या करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मुख्तलिफ बुक्स पढ़ते हैं, रेंडन मार्टन, वो क्या नाम है, सैयद सादत अली शाह, वो इल्मी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, फिर आप अकेडमी में जाते हैं, फिर आप फेसबुक और इधर उधर और पता नहीं क्या क्या कुछ आप लोग ऐसे के बारे में सुन लेते हैं, और वो सारी टर्में बड़ी पढ़ी लिखी टर्में वो मुझे भी कहीं नहीं आती हैं उनमें से, मसलन एग्जाम्पलीफिकेशन करनी है जी, वो लैंग्वेज फ्लावरी करनी है, उसकी बॉडी, उसका थीम, उसका कंटेंट, उसका मैकेनिक्स, ऐसे मतलब सारे अल्फाज। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं और ज़िंदगी आप लोगों की आसान करूँ ना, इसमें आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बनाऊँ, और जो बेसिकली ऐसे है उसको मैं आसान अल्फाज में और इन्हीं सारी टर्मों को कुछ इस वीडियो में और कुछ अगली वीडियो में कवर कर जाऊँ, तो कि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी हुई है। कुछ लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं, बट मैं क्या करूँ कि मैं बींग अ सीनियर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही पिक्चर दिखाऊँ। ऐसे की जो सीएसएस पीएमएस में अप्रोच है वो कुछ ऐसी है जो मैंने अभी तक शेयर की है आप लोगों से, और आप लोग इसी को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। तो अब चलते हैं जी कि आप लोगों ने आउटलाइन तो बड़ी अच्छी सी बना ली, टॉपिक आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, अब ऐसे के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि अब ऐसे एग्जैक्टली है क्या। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बचपन से पढ़ी हुई थी, मुझे सी एस एस अकेडमी जाके भी कोई तकलीफ नहीं हुई, उधर भी यही उन्होंने बताई, मेरे जो टीचर थे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इस्लामाबाद में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर मज़र, आप अगर इस्लामाबाद में तो आप अगर उनको फॉलो भी करें, उनको उनके स्टूडेंट भी बने तो मुझे खुशी होगी। आज अगर मैं सिविल सर्विस में हूँ तो ये मेरे सर मज़र का कमाल है कि उन्होंने हमें लिखना बताया इससे होता क्या है स्टूडेंट्स, तो ये उन्हीं का नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये सारा क्रेडिट भी बेसिकली उन्हीं को ही जाता है, नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी, वो और उनकी मिसेस भी उधर पढ़ाती हैं, उधर ही होती हैं। तो सर मज़र आपको मेरा सलाम भी, अगर आप मुझे किसी वाले से सुन सकें या स्टूडेंट्स आपको बताएं, तो सर सो काइंड ऑफ यू कि आपने हमें इतना जनरसली इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारी ग्रिप बनाई, कि मैं यकीन करें कि मैं अभी 3-4 दिनों से ऐसे ये वीडियोज़ बना रहा हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा किसी बुक में और ना मुझे ज़रूरत है, और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और ख़ुद ही मुझे कह रहे हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे जो सर हैं सर मज़र, उनको क्रेडिट जाता है। आप अगर इस्लामाबाद में अकेडमी ढूंढ रहे हैं तो उनकी अकेडमी भी एक ऑप्शन है, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो में कभी बनाऊँगा इस लाहौर में इस्लामाबाद में, बट सर मज़र का एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, और अल्लाह उनको सेहत दे और आप लोगों को वो इस तरह एजुकेट करते रहें और सिविल सर्विस में लाते रहें। ये जो कुछ आप मेरे से सीख रहे हैं ये बेसिकली क्रेडिट मेरे सर, मेरे टीचर सर बदर को जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं जी कि ऐसे क्या है। ऐसे है जी कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ डीलिंग विद वन पर्टिकुलर थिंग, बात ही ख़त्म होगी। पता हमें चल गया कि ये जो पूरा इतना ड्रामा लगा हुआ है, इतना शोर पड़ा हुआ है कि ऐसे 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 कुछ नहीं है, एक कलेक्शन मतलब ऐसे क्या है जी, कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ है बेसिकली, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, ये वो वर्ड ही बता रहा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डीलिंग विद वन पर्टिकुलर थीम, ये भी हमें पता चल गया कि कोई इसमें थीम भी है, वो थीम नहीं तो पकड़ने के लिए तो हम तो इतना कुछ काम पहले करके आए कि हमने क्या कहा कि हमने जर्नलिज्म के टॉपिक नहीं पढ़ने, हमने जर्नलिज्म की के बुक को पढ़ना है ताकि हमने उसमें से डिफरेंट टॉपिक्स हम समझ सकें, और ये हम समझ सकें कि आया हम उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये समझ सकें। इसलिए मैंने आप लोगों को थीम सेलेक्ट की हुई है, ठीक है ना जी, कि आई आर हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम उसका ऐसे मतलब टॉपिक जो आ गया हम वो आंखें बंद करके करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और इसलिए भी हम ये वो हम नहीं कर रहे कि हम उसमें से असली लें, हम सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं 4-5 थीम तैयार कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की कि हम ये पकड़ सकें। वो कहते हैं ना, प्लेटो कहता था कि ऑल आई नो इज आई नो नथिंग, तो हमें वो पता चल जाए कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, टॉपिक तो आई आर का है लेकिन हमें आता नहीं है, तो हम इसलिए प्रिपेयर हो गए हैं। तो ये तो वो होगी थीम, वो थीम के ऊपर मैं आखिर में फिर एक दफ़ा बात करूँगा, क्योंकि ऐसे के ऊपर और भी बहुत सारी चेक्स हैं, जो आपका कंटेंट है, बॉडी है, जो एग्जाम्पलीफिकेशन है, तीनों एक ही चीज़ें अकेडमीज़ में, बॉडी कंटेंट या एग्जाम्पलीफिकेशन इंडिविजुअल पैराग्राफ, बॉडी मतलब ओवरऑल सारी, या कंटेंट मतलब सारी वो एग्जाम्पलीफिकेशन को जमा करके आप वो, लेकिन आप जब फर्दन लेंगे तो आप उनको एग्जाम्पलीफिकेशन कह लें। अच्छा जी, तो मैं डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों से यहाँ से, सॉरी मैं बोल गया हूँ कि कहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे जी। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ डीलिंग विद वन पर्टिकुलर थीम, अब एक तो ये होगी हमें ऐसी की डेफिनेशन पता चल गई, दूसरा बॉडी एग्जाम्पलीफिकेशन, जितनी हम एग्जाम्पल्स डालेंगे उस पर्टिकुलर थीम को जस्टिफाई करने वो एग्जाम्पलीफिकेशन है। एक चीज़ और इस्तेमाल होती है मैकेनिक्स,
कंक्लूजन तो आपको पता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इंट्रोडक्शन की भी पूरी बात होगी कि वो जर्नल साहब उसके बताएंगे, मैं थोड़ा सा और भी बात करूंगा, आउटलाइन का आपको पता चल गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कंक्लूजन का भी पता है कि जो आपकी ओपिनियन ओरिजिनल बनेगी उस एसे के बारे में वो भी आपको पता चल गई। अब रहेगी जी मैकेनिक्स, बॉडी आप यहाँ पे क्लियर होगी, थीम भी मैंने आपको समझा दिया, वो सेंट्रल आइडिया। और मैकेनिक्स क्या है कि आपका जो मैंने आपसे जिक्र किया था और आप अपनी जो एग्जाम्पल उठाते हैं उसकी एक लाइन की आप उसको में डालते हैं अपनी आउटलाइन में, और बाकी आपका जो सारा नॉलेज है वो आप शेयर करते हैं उसके पूरे इंट्रोडक्शन के बाद आप सिस्टमेटिकली एज पर आउटलाइन, आउटलाइन में जो एग्जाम्पल जिधर पड़ी है उसके मुताबिक आप जाते हैं, तो वो तो होगी एग्जाम्पलीफिकेशन। और मैकेनिक्स क्या है कि ऑटोमेटिकली जब वो पैराग्राफ ख़त्म हो तो वो लगे कि वही जो ऐसे है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो आपका स्ट्रेचर है वो निगेट भी कर सकता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग अगर कुछ लोग कहते हैं कि फिक्शन है तो आप उसको निगेट करना चाह रहे हैं फैक्ट है, तो वो ठीक है निगेट ही कर रहे हैं बेचक, सपोर्ट से मरा दिया कि आपका जो निगेशन का जो थीसिस है उसको वो सपोर्ट कर रहा हो फिर, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, ऐसे की टाइप्स भी आपको थोड़ी बताई जाती हैं, ये डराया जाता है या सेंसिटाइज करने की कोशिश की जाती है, बहुत ज़्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस मेरा ख्याल है नहीं, अगर आप लोग इन अप्रोच के लिहाज से हैं तो जो भी ऐसे होगा थीम समझ के आप उसको ऑटोमेटिकली लिख जाते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को दो तीन टाइप्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। मसलन एक है जी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है जी कि आप कहते हैं जी डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर, मतलब एक डेमोक्रेसी एक फिनोमिन है आप उसको लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया। ग्लोबल वार्मिंग आपने लिया आपने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया। फिर क्या है जी कि आप जिस तरह कोई मूवमेंट है वो हो जाएगी जो है आपकी अभी हमने बात की जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, तो वो हो जाएगी नरेटिव। जैसे कोई फिनोमिना है कि UNO के लिए जी होप्स हैं बड़ी, तो अगर आप होप्स को बताना शुरू कर दें तो वो आप नरेट कर रहे हैं। तीसरी एक टाइप होती है आर्गुमेंटेटिव एसेज, उनको कहा जाता है, या लिटरेरी एसेज भी उनको कहा जाता है, एवरी सिचुएशन क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम, डांसिंग अराउंड द फायर, ये सारे लिटरेरी किस्म के एसेज हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता हो तो वो अच्छी बात है, बट्स ओके, बट ओवरऑल ऐसे यही है, इसमें चार मेन चीज़ें यही हैं। मैकेनिक्स माइंड में रखनी है कि हर एग्जाम्पलीफिकेशन आपके थीम को सपोर्ट करे, ठीक है। लैंग्वेज के ऊपर बात होती है जी कि फ्लावरी और ये, तो ठीक है उसमें दो या तीन जो सादत अली शाह के एडियम्स हैं वो यूज़ करें, लेकिन आप ऐसे के CSS के जो लेवल पे जब उसको लाना है तो वो तीन चार ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाते हैं, आपकी वाइड रेंज स्टडी हो आपकी अच्छी बुक्स पढ़ी हो तो बीच में ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाता है, और लगते हैं ऐसे और आपके भी लगेंगे। और इसी तरह आप कोटेशंस पढ़ा करें, वो कोटेशंस भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे, तो लैंग्वेज यहाँ से ठीक हो जाएगी। तो बात आ गई जी कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तो थोड़ा जनरल है, सिंपल है कि जो आपको थीम समझ आई है उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू कर दें और थोड़ी सी बेस बना दें कि आपको आपके रीडर को पता चल जाए कि आगे कुछ क्या आने वाला है, और आपका बेसिकली उसका थीसिस आगे होने क्या जा रहा है, मतलब होने क्या जा रहा है से मुराद ये है कि जो आपके एग्जामिनर ने आपसे डिमांड किया है आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हैं सारा, और उसके मुताबिक आप आगे चलना चाह रहे हैं, और आपका फाइनल कंक्लूजन थीसिस क्या है वो कंक्लूजन में नज़र आना चाहिए, वो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज के वाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे, ग्रामर कल मिस्टेक नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ना लिखें, कोशिश करें पैसे वाइज ना लिखें, और क्या नाम है कंजेक्शंस का इस्तेमाल कम करें, सिंपल सेंटेंसेस लिखें, अपना थीसिस पॉइंट आउट करते जाएं, कोई अलहदा हेडिंग नहीं लगानी, कोई लंबी चौड़ी मार्कर ज़्यादा बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम भी करना है तो कोटेशन मार्क इस्तेमाल कर लें किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। कंक्लूजन में थोड़ा सा अब आप इस सारी डिस्कशन के बाद जिस तरफ आपकी लीनिंग होगी, आपकी इंटेलेक्चुअल लीनिंग, उसमें थोड़ा सा अपने आपके जो है वो ऐसे बेसिकली होता तो ये है कि कोई जो आपका स्कॉलर जो उसको लिखता है वो बेसिकली अपने माइंड और अपनी मेंटालिटी और अपनी सोच के मुताबिक उसमें के ऊपर कोई राय देता है जिसमें उसके थोड़े बहुत उसके इमोशंस भी आ सकते हैं हल्के फुल्के, ठीक है ना जी। तो या बड़ी क्लियर कट या उसकी लॉजिक या रैशनल आना चाहिए, इमोशन से ज़्यादा मैं कहूँगा कि रैशनल आना चाहिए, अपनी उस रैशनल का एक्सप्रेशन आना चाहिए। वो ज़ाहिर है कोई ना कोई ओपिनियन तो होती है ना, अब देखिए हमारी कोई ना कोई ओपिनियन तो होती है कि आया ख्वातीन को जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो हमारी ओपिनियन होगी यानी कि वो नज़र आ जानी चाहिए रैशनल वे में, लॉजिकल वे में। अच्छा जी, तो ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा, यहाँ तक तो बात मेरा ख्याल ख़त्म होगी। अब इससे आगे एक वीडियो में बनाऊँगा, उसमें मैं थोड़ी सी और इसकी जो ट्रिकी चीज़ें हैं जो आप ये कह लें कि डूज एंड डू नॉट्स हैं ऐसे के, वो डिस्कस मैं करूँगा। और चलें अभी मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा टाइम मेरे पास है इसमें, तो चलें मैं यहीं पे इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स हमारा जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है नेशन स्टेट का, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से रिलेटेड हम ऐसे प्रज्यूम कर रहे हैं कि कोई कर रहे हैं,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ज़ाहिर है 73 में सारी पार्टीज पाकिस्तान की जो एलीट्स थी पॉलिटिकल 71 के डिबैकल के बाद, वो सारी उसके ऊपर कंसेंसस है। तो कुछ हम ऐसी चीज़ ऐसे में डिस्कस नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जाए। इसी तरह हमको ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के नज़रिया जो है हमारा दो कौमी नज़रिया उसके खिलाफ जाए। कोई ऐसी चीज़ जो मिलिट्री के खिलाफ हो, जुडिशरी के खिलाफ हो, इतनी आउटराइटली मतलब वो इस हद तक खिलाफ हो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो, डिफामेटरी हो। आप कैदाजम के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, जिना जो हैं मतलब फाउंडिंग फादर हैं कौम के, इलामा इकबाल उनके खिलाफ नहीं जा सकते, सर सैयद अहमद खान। तो ये हमारे कुछ इसी तरह जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये तो हो गया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। दूसरा ये है कि अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं ऐसा जिसका डोमेन थोड़ा ग्लोबल है, उसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो यूएन का चार्टर है जिसके ऊपर पूरी ह्यूमैनिटी कन्वेंस है, बड़ी पावर्स कन्वेंस हैं, सिग्नेटरीज हैं, ठीक है ना, आप कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आप वैसे भी पढ़ लें, यूएन का जो चार्टर है उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो आपको वैसे भी पढ़ा होना चाहिए। तो आप फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के खिलाफ नहीं जाएंगे, यूएन की बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे, यूएन का जो जनरल असेंबली और उनके जो आप मेन जो पैरामीटर्स जिस पर्पज़ के लिए यूएन वो कायम हुई थी, वो बेशक उसमें कामयाब हुई नाकाम हुई वो डिबेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल जो उसके स्टेचर है, जो इंटरनेशनल लॉ है जिसके ऊपर तकरीबन मोस्टली सारी दुनिया जो एग्रीड अपॉन है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जाते, इस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं। इसी तरह आपके ऐसे में रिलीजियस फनेटिसिज्म की जगह नहीं होती। रिलीजियसली आप किसी चीज़ को ले सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे निगेट कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली जब आपने, मैंने आपको जिक्र किया था पहले भी, अगर आपने इस्लामियात ये इससे रिलेटेड को टॉपिक लिया हुआ है और वो उसका डोमेन बड़ा है, मतलब उसका मल्टीपल रिलीजन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर इस तरह की कोई बुक, कैरन आर्मस्ट्रांग की जैसे हिस्ट्री ऑफ गॉड है, इस टाइप की कोई बुक आपने पढ़ी हुई हो, इस तरह के स्कॉलर्स को पढ़ा हो, फिर आप जस्टिफाई कर लेंगे। मतलब रिलीजन को लेना और उसकी को आर्गूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना, इट्स ओके फाइन, बट उसमें कहीं भी आप फंडामेंटलिज्म को आप उसको या फनेटिसिज्म वो नहीं लगना चाहिए, या इसी तरह कुछ आप सेक्टेरियनिज्म को भी आपसे भी आपने बचना है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्ट को आप मतलब आपको ऐसा आर्गुमेंट ना बिल्ड करें कि एट द कॉस्ट ऑफ वन सेक्टेरियन, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव, इस्लाम के पर्सपेक्टिव में नहीं, ये क्रिश्चियनिटी में भी बड़े मतलब सेक्ट्स हैं, उसके भी उनके अंदर भी बड़े फिरके हैं। तो जो यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट आपने नहीं जाना। पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बता दिया, ये कुछ एडिशनल डूज हैं, डू नॉट्स हैं आप ऐसे के, जिनको आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। फिर अब थोड़ा सा मैं देखता हूँ, अगर एक दो मिनट हैं तो मैं इस वीडियो में फिर इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जब आपने ऐसे ये सारा कंप्लीट कर लिया इस तरह, तो आखिरी 15 मिनट्स जो आपके पास बचे, अब आप अपने आप को इस स्टेज पर ले आए कि इस स्कीम के तहत आपने ऐसे लिख लिया, ऐसे आपने समझ भी लिया इस वीडियो में सारे थारोली, और इससे ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है। असल काम ऐसे का जो है वो सारा उससे पिछली वीडियोस, और ये वीडियो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है एक लिहाज से, बट जो ये जो लंबी चौड़ी टर्में थी इनके ऊपर मैंने बात नहीं की। अच्छा, आपने जो थीम की बात करनी थी वो आपको मैंने ये अभी जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, डू एंड डू नॉट्स, जो आपने अपनी थीम को देखना है कि वो आपकी थीम इन बाउंड्रीज को भी क्रॉस ना करे, जैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को ना करे, यूएन चार्टर को ना करे, फनेटिसिज्म की तरफ, मतलब आपने इस थीम को इसके मुताबिक रखना है जो, और थीम होगी इसी तरह जो भी ऐसे आएगा, बट आपने भी उस थीम को जस्टिफाई करते हुए या उससे एग्री करते हुए या नगेट करते हुए इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, थीम की इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ नॉलेज से ये कहानी स्टार्ट होती है ऐसे की, और फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट है, और फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन में एरियाज, और फिर आप यहाँ पर आते हैं। अब नाज़रीन सॉरी स्टूडेंट्स के, अब आप लोग ऐसे लिख चुके हैं और आखिरी 10 मिनट रह गए और मेरे पास वीडियो में सिर्फ 1 मिनट है, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिरी 15 मिनट्स में ऐसे आपने लिख लिया आउटलाइन, सारा कुछ हो गया, पेपर में आप बैठे हैं, 10 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट आपने ऐसे को रिवाइज ज़रूर करना है। कोशिश करें आप उसको 15 मिनट पूरे दें और ऐसे एग्जामिनर बन के चेक करें, और आपको टेंसेस की मिस्टेक्स मिलेंगी, और यकीन करें आपको 2-3 प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की मिलेंगी, तो आपने उनको ठीक ज़रूर करना है, आराम से पढ़ना है न्यूट्रल होकर, फिर उसके बाद अल्लाह का नाम देके उसको छोड़ देना है। तो मैं भी इंशाल्लाह इसके बाद आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।